गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग हिंदी वन में कारक पढ़ेंगे। कारक किसे कहते हैं, आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। बच्चों, यहाँ दो चित्र हैं। एक चित्र पर मेज पर पुस्तक रखी है और दूसरे चित्र पर एक बच्चा पढ़ रहा है। यार नीचे क्या लिखा हुआ, वंश ने पेंसिल से चित्र बनाया। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द किसी संबंध को स्पर्श करता है। जैसे क्या है, मेज पर पुस्तक रखी है। पर क्या है, मेज और पुस्तक पर क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। उसी तरह यहाँ पर वंश ने पेंसिल से चित्र बनाया। ने और से क्या है, संबंध बताने वाले शब्द है। इन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम संबंध बताने वाले शब्द को हटा देते हैं, जैसे मेज पुस्तक रखी है, चाहे यहाँ पर हम कर सकते हैं वंश पेंसिल चित्र बनाया। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं बच्चों, तो हम क्या देखते हैं, सेंटेंस वाक्य क्या है, बहुत अटपटा लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि इसमें कारक शब्द नहीं है। क्या है, इसमें कारक शब्द नहीं है। और कारक शब्द नहीं होने से क्या होता है, शब्द बहुत ही अटपटा लगता है। इसलिए कारक क्या है, कारक शब्द ही क्या है, संबंध जोड़ने का काम करता है। इसलिए हम कह सकते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य से संबंध जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य से संबंध जोड़ने का काम करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अब आइए, दूसरा शीर्षक क्या है, विभक्ति। कारक का रूप प्रकट करने के लिए जो शब्द चिन्ह लगाया जाता है, उसे विभक्ति या कारक चिन्ह कहते हैं, जैसे ने, से, पर आदि। इस तरह कारक के कितने भेद हो गए बच्चों, कारक के 8 भेद होते हैं। उनके नाम और चिन्ह इस प्रकार है। क्या है, पहला कारक क्या है, कर्ता कारक, इसकी विभक्ति क्या है, ने। दूसरा कर्म कारक, विभक्ति चिन्ह क्या है, को। करण कारक, विभक्ति चिन्ह है, से, के द्वारा। संप्रदान कारक है, विभक्ति चिन्ह है, को, के लिए। अपादान कारक है, विभक्ति चिन्ह है, से, अलग होने के संबंध में। संबंध कारक है, का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण कारक है, मे, पर। संबोधन कारक है, हे, अरे। अब ऊपर के क्लास में मुझे आइएगा, तब इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करिएगा। लेकिन फिर भी मैं अभी थोड़ा सा संक्षेप में बता देती हूँ, कर्ता कारक किसे कहते हैं। कर्ता कारक किसे कहते हैं, जिसके बारे में बात की जाए वह कर्ता कारक कहलाता है। जैसे राहुल ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पर राहुल क्या है, कर्ता। उसी तरह कर्म कारक, जिस पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्म कारक। जैसे माँ ने बच्चों को सुलाया, तो बच्चों को क्या है, कर्म कारक। करण कारक, जिसके द्वारा काम करने के लिए कर्ता को जिस साधन की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, करण कारक। जैसे मोनिका ने ब्रश से चित्र बनाया, मोनिका ने ब्रश से क्या है, ब्रश के द्वारा साधन है, तो ये करण कारक होगा। उसी तरह संप्रदान, जिसके लिए क्रिया की जाती है, वह संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे पिताजी भैया के लिए घड़ी लाए, भैया के लिए क्या है, संप्रदान कारक।
आपादान कारक, जिस शब्द से अलग होने का बोध हो उसे आपादान कारक कहते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा कहाँ से निकल रही है? हिमालय से, तो हिमालय से क्या हो जाएगा तुम आपका अपादान कारक। उसी तरह संबंध कारक, जहाँ एक शब्द का संबंध दूसरे संज्ञा शब्द से प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे मिताली की बहन नटखट है, मिताली की बहन, तो की बहन क्या हो जाएगी यहाँ पर? मिताली और बहन में संबंध कौन बता रहा है? की। उसी तरह अधिकरण कारक, जो शब्द क्रिया के स्थान का बोध कराए उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे मेले में भीड़ है, अधिकरण क्या है? जो शब्द क्रिया के स्थान का बोध कराए, तो मेले में भीड़ है। कहाँ भीड़ है? मेले में। उसके बाद संबोधन कारक, संबोधन नाम से ही बच्चों लगता है, जो शब्द किसी को बुलाने या पुकारने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे जैसे हे भगवान हमारी रक्षा करो, क्या है यहाँ पर? किसी को संबोधित किया जा रहा है। ये थे कारक के 8 भेद बच्चों, लेकिन इसे अभी आपको आप लोगों को नहीं पढ़ना है, सिर्फ अभी हम आप लोगों को कारक के भेद के नाम और उसके चिन्हों की जानकारी लेनी है। इस तरह अंत में देखते हैं कारक और विभक्ति चिन्ह। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन ए ओ अरे। ये थे बच्चों कारक और उसके भेद। बच्चों कारक किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, ये आप याद करिएगा और इसके अभ्यास को करिएगा। धन्यवाद।